सीधे हम लोग कार्यक्रम की ओर बढ़ेंगे, लेकिन तब तक बता रहे कि सारे मीडिया के साथी जो है वो लोग नीचे पोस्टर पकड़ ले हम लोग कार्यक्रम। धन्यवाद इस सभा के आदरणीय अध्यक्ष जी, मंच पे हम लोग के बीच अब हम लोग के मुख्य वक्ता कोई हमारे घर आकर के दिवाली का लड्डू खाया है, हम किसी और के घर जा करके ईद की सवैया खा करके आए। देखो इस देश की परंपरा और संस्कृति है, इस परंपरा और संस्कृति पे आज हमला किया जा रहा है और ये तमाम साजिशें संस्कृति और परंपरा को आधार बना करके किया जा रहा है। एक दिन गृह मंत्री साहब का भाषण सुन रहे थे, भाषण में छोटा भाई ने कहा और दो चार पांच दिन का परेशानी है,
उसके बाद सारा काला धन आ जाएगा सरकार के खाते में और आपके खाते में 15-15 लाख पहुंचा दिया जाएगा। पहुंचा जैसे 15 लाख रुपए आपके खाते में नहीं पहुंचा, वैसे ही एनआरसी से मुसलमानों का नाम काट करिए त्रिपुर को उसका घर द्वार नहीं मिलने वाला। उल्टे अगर एनआरसी होगा बिहार जैसे राज्य में तो एक बड़ी आबादी को इसकी परेशानी उठानी पड़ेगी, क्योंकि जो लैंड रिकॉर्ड है सरकार के पास वो मात्र 30% लैंड रिकॉर्ड है, मात्र 30%। जिस जमीन पे आपका घर है, जो आपकी पुश्तैनी खेत है, जिस खेत पे आपका कब्जा है, उस खेत का जब कागज खोलने के लिए जाइएगा आपको कागज नहीं मिलेगा। जब जमीन धान कहीं नहीं जाती है, इंसान पैदा होते हैं मर जाते हैं, लेकिन मकसद वही है। मकसद ऐसा तो नहीं होता कि आरा बन जाता है और आरा जो मकसद की जगह पे चला आता है, जमीन तो वही खत्म रहता है ना। जब जमीन का दाखिल खारिज करना एकदम मुश्किल होता है तो इंसान तो यहाँ से वहां जाते हैं, पैदा कहीं और होते हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए कहीं और जाते हैं, नौकरी कहीं और होती है, विकार कहीं और होते हैं और घर कहीं और जा करके बनाते हैं। बहुत सारा ऐसा लोग होता है ना जो घर जमैया हो जाता है, सास ससुर के गांव में जाकर के बस जाता है। इसकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि सरकार के पास ये जिम्मेवारी है कि लैंड का रिकॉर्ड रखे। सरकार के पास लैंड का रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन सरकार हमसे हमारे बाप दादा का रिकॉर्ड मांग रही है। क्या जी लड़का मन में खड़ा बाबा बाबा क्या नाम है उसके बाबा का उसके बाबा का हुए होंगे ना हम लोग जब सीए का विरोध कर रहे हैं तो देश की जो समस्या है उसको उठा रहे हैं, लेकिन सीए के समर्थन में नहीं निकाल रहे हैं वो असल देश की समस्याओं से लोगों का ध्यान हटा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ लोगों को उनके सवालों से भटकाया जाएगा और भटका करके राजनीति की जाएगी और इसका कोई नतीजा कुछ नहीं निकलने वाला। आसाम में 1600 करोड़ खर्च करके राशि किया गया और आसाम में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी कहती है कि इस एनआरसी को हम मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर पूरे देश में एनआरसी होगा तो 60,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा, बताइए इसका कोई फायदा है? ये जो व्हाट्सएप मैसेज आ रहा है कि एनआरसी करके मुसलमानों का जमीन लेकर के आपको दे दी जाएगी, ये सबसे बड़ा झूठ है। अगर एनआरसी होगा तो ये कागज की छोटी छोटी गलतियां हैं, उस गलती के आधार पे आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। जो नागरिकता छीन जाएगी तो सिर्फ नागरिकता नहीं रहेगी, वो जो पुश्तैनी जमीन है बाप दादा का वो जमीन भी जाएगा, घर भी जाएगी, संपत्ति भी जाएगा और वोट देने का अधिकार भी जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है, ये देश के तमाम जाति और तमाम धर्म के लोगों का सवाल है। इसीलिए इस सवाल पे हम तमाम लोगों को एकजुट होना चाहिए और सरकार से एक सीधा सवाल करना चाहिए कि हमको हमारी पहचान के आधार पे टीका और टोपी के आधार पे लगाना बंद कर दीजिए। चाहे टीका लगाने वाला हो चाहे टोपी लगाने वाला हो, पेट सबके पास होता है, भूख का इंतजाम सबका होना चाहिए, सबको अन्न मिलना चाहिए, सबको पहचान मिलना चाहिए, ये हमारा होना चाहिए। इसीलिए जो लोग भ्रम में है, मेरा भाजपा एक दोस्त है बताओ कि गणेश जी का मोरी जो है भोला को हटा दिए थे,